अभी आप लोगों की टीम बिहार दौरे पर निकली हुई है, हम लोग जनाधिकार छात्र परिषद प्रदेश कमेटी लगातार तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम जिलों में जाकर जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है उसके बारे में पूरे बिहार की आम आवाम को बताने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बिहार के बहालियां आती है उसमें जो लगातार पिछले कई सालों से बिना हाई कोर्ट बिना घोटाले के नहीं हो रहा है उसको बताने का काम, और जिस तरीके से बिहार के युवा ठगे महसूस कर रहे हैं उसको एक्सपोज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे नेता माननीय सांसद पप्पू यादव जी लगातार एम्स को सहरसा में निर्माण करवाने के लिए लगे हुए थे उसको एक साजिश के तहत दरभंगा में स्थापित करने की बात हो रही है, हम लोग इस पर भी बात रख रहे हैं। सहरसा में यदि एम्स होता तो बिहार का जो एक बड़ा हिस्सा है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता, कोसी का जो एक बड़ा हिस्सा है उसको लाभ पहुंचता। इन्हीं सब बातों को हम लोग लेकर हम लोग अपने संगठन के साथ चर्चा कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को सहरसा आने वाले हैं, हम लोग उस दिन शांतिपूर्वक उनसे टाइम मांगे हैं, यदि अगर वो टाइम नहीं देते हैं तो हम लोग उनका विरोध करेंगे और पूरी मजबूती के साथ विरोध करेंगे। आज़ाद चांद जनाधिकार छात्र परिषद प्रधान महासचिव सह पटना विश्वविद्यालय ज्वाइंट सेक्रेटरी। किस सिलसिले में आप लोग का कोसी क्षेत्र का दौरा हो रहा है? कोसी क्षेत्र का ही दौरा नहीं, पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षा की जो बदतर स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार जनाधिकार छात्र परिषद का दौरा चल रहा है, और ख़ास करके छात्र संघ चुनाव को लेकर के जनाधिकार छात्र परिषद जो संघर्ष किया है लगातार छात्रों के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, और जितने भी शिक्षा व्यवस्था से संबंधित घोटाले हुए हैं उसको उजागर करने का जो काम किया है, इन्हीं सवालों को लेकर के हम छात्रों के बीच जा रहे हैं। जो आखिर ये नीतीश सरकार और इससे पूर्व की जो सरकार थी छात्रों के लिए क्या करने का काम किया है, आज भी बीएन मंडल विश्वविद्यालय जब से स्थापना हुई है उसके बाद आज भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है, न शिक्षक है न क्लास हो रहा है न सुविधा है कोई छात्रों के लिए, कोई भी व्यवस्था नहीं है विश्वविद्यालय में, जो सत्र 3 साल में होना चाहिए वो 5 साल में होता है, छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज खुल के रह गया है, आखिर छात्रों के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी जो भी सरकार आती है जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो शिक्षा को बेहतर बनाने का सब्जबाग दिखाते हैं, तो यही भ्रम जो छात्रों के बीच में पैदा किया गया है, और इस छात्र संघ में एक पीके का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, छात्रों को बरगलाया जा रहा है, इन सारे भ्रम को तोड़ने के लिए जनाधिकार छात्र परिषद ने जो संघर्ष किया है, माननीय सांसद पप्पू यादव जी ने जो संघर्ष किया है, और हम सभी साथी पटना से लेकर के हर जिला हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को छात्रों के बीच ले जा रहे हैं, और हम छात्रों से अपील कर रहे हैं जो आगामी छात्र संघ चुनाव में जनाधिकार छात्र परिषद के साथियों को मजबूती से जिताने का काम कीजिए, जिससे कि आने वाला भविष्य विश्वविद्यालय का हो कॉलेज का हो और बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हो वो बेहतर हो सके। और दूसरी बात है, यहाँ से एम्स का जो प्रस्ताव है वो ख़त्म कर दिया गया है, सहरसा में एम्स खुलने से 8 जिले के लोगों को गरीब लोगों को सुविधा मुहैया होगा, लेकिन पता नहीं राज्य सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं, केंद्र सरकार भी कोसी सीमांचल के लोगों से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सहरसा में एम्स बंद करने का क्या सवाल है? सहरसा सुपौल मधेपुरा पूर्णिया अररिया कटिहार किशनगंज खगड़िया ये सारे जिले के गरीब लोग मजबूर लोग जो इलाज कराने पटना जाते हैं दिल्ली जाते हैं उनका इलाज सहरसा में होता, लेकिन केंद्र और बिहार सरकार की साजिश के तहत उसको यहाँ से ख़त्म किया गया है। आगामी आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है पूरे कोसी सीमांचल का छात्र नौजवान और जनाधिकार छात्र परिषद मजबूती से नीतीश कुमार को सहरसा से भगाने का जो है संकल्प आज लिया है, इन्हीं सारे सवालों के साथ आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के बैठक करने का काम किए हैं। गौतम आनंद जनाधिकार छात्र परिषद प्रदेश अध्यक्ष।